नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। देखिएगा, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं आपका फिजिक्स का वायरल पेपर उत्तर सहित। इसमें आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने जितने भी कक्षा बारहवीं वाले मित्र हैं उन सभी के साथ में आप शेयर कर दीजिए। सभी फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है और आपको सभी क्वेश्चन में आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर सहित बताने वाला हूँ। एमपी बोर्ड कक्षा बारहवीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पूरा वायरल पेपर हल सहित। देखिएगा, शुरुआत वाले क्वेश्चन से लेकर के तो अंत तक आपको सारे क्वेश्चन हमारे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, तो उसको भी आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ पर मिलेगा तो ये मैं बता दूँ कि चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, ABOUT अबाउट सेक्शन में सबसे पहले हमने टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, देख सकेंगे उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल छपेंगे आपकी परीक्षा में। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो, निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? तो इसमें आपको बताना है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुवीय उपस्थित हो सकता है। बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुवीय उपस्थित हो सकता है, ऐसे करेंगे आपको इसको सभी। तो प्यारे मित्रों, एक एक क्वेश्चन आपको मैं उत्तर सहित बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। विद्युत धारा घनत्व J और विद्युत धारा क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा होती है, तो इसमें एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो जो प्रेरकत्व होता है ना उसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है? न्यूनतम का मतलब कम से कम होती है, तो लाल रंग के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, 150 विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो इसमें आपको 1.0 याद रखना है। हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो इसमें आपको क्या रखना है याद, इसमें आपको याद रखना है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर B अवरक्त होती है। क्या होती है? अवरक्त होती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिएगा इसमें जो आपको दिया गया है ना, हाइड्रोजन की वर्णक्रम की लाइमन जो श्रेणी है प्यारे मित्रों, ये पराबैंगनी होती है। I am very sorry, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है? तो जो सही कथन है प्यारे मित्रों, इसका आएगा B वाला, पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, रिक्त स्थान पूछा है आपसे, सोडियम क्लोराइड कैसा पदार्थ है? तो ये विद्युत रोधी पदार्थ है प्यारे मित्रों। प्रेरण का प्रतिघात का SI मात्रक क्या है? तो ये होता है ओम। प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें क्या बताया है, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति, अवतल लिखेंगे इसमें आप सभी, अवतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सब, जल फर्स्ट तीव्रता की प्रकाश दो तरंगों का किसी बिंदु पथांतर है, इस बिंदु का तीव्रगामी तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो आपको यहाँ पर उत्तर में क्या बताना है, तो उत्तर में आपको बताना है, देखिएगा आपको 4 1 बताना है, ठीक है, 4 I, इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की अनुक्रमानुपाती होती है, तो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, इसमें आप आवृत्ति लिखेंगे, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका, इसको बिल्कुल रट के जाइए, IMP क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बार बार नहीं कहूँगा मैं आपसे, ठीक है। देखिएगा यहाँ आपको क्या दिया है, थॉमसन एवं रदरफोर्ड दोनों इसमें आ जाएंगे, परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं, तो थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों, थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल की थी और रदरफोर्ड ने भी की थी। रदरफोर्ड ने कौन से कणों की बौछार की थी? तो आपको याद रखना है अल्फा कणों की बौछार की थी प्यारे मित्रों, ठीक है ना, अल्फा कणों की।
अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं, तो इसमें NOT लिखेंगे, क्या करेंगे NOT गेट को। अब अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें देखिएगा आप सभी। पहला है किसी धारावाही परिनलिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है, तो वो होगा 1/2 LI2, ये सूत्र होगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एसी परिपथ में धारा का RMS मान 10 A है, शिखर धारा कितनी होगी, तो इसमें आपको 10/2 A होगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरणों, प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा, तो यहाँ पर वेग का मान समान होता है प्यारे मित्रों, वेग का मान समान होता है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में दोनों लिस्ट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज का क्या प्रभाव होगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, याद रखना चौड़ाई कम हो जाएगी, किसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन कण के लिए, इलेक्ट्रॉन आप इसमें याद रखेंगे अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, थोरियम नाभिक का प्रतीक 234 थोरियम 90 है, इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें 144 होंगे, 144 न्यूट्रॉन, 144 न्यूट्रॉन आपके इसमें करेक्ट होने वाले हैं। और इसके बाद में AND गेट के लिए बुलियन का व्यंजक लिखिए, तो ये आएगा 4 = A.B, 4 = A.B इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी, इसको तो बिल्कुल आप रट कर जाएंगे अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है, दोनों सही जोड़ियों को। चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर D, टेस्ला, ठीक है। अपेक्षित चुंबकनशीलता, तो इसमें आएगा विमाहीनता। चुंबकीय प्लक्स, तो जो आपका चुंबकीय प्लक्स है उसके आगे आपको क्या करना है, अदिश है, अदिश करना है। और चुंबकीय तीव्रता, तो इसमें आपको AM-1 करना है, ठीक है, ये जोड़ी ऐसी कैसी याद रखेंगे। अब इस जोड़ी के बाद में आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं अगली जोड़ी, ये देखिए, उच्च अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, तो इसके आगे आपको ऑप्शन नंबर C मिलाना है, टेलीविजन नेटवर्क, अवरक्त किरणों की किरणें जो होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती, गामा किरणें जो होती है इसमें आपको सर्वाधिक आवृत्ति की होती है, ये गामा किरणें सर्वाधिक आवृत्ति की होती है, और ये जो आपके प्रश्न हैं इनको आप याद कर कर जाएंगे, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो, दो वीडियो और मैं अपलोड करूँगा, सारे सेट पेपर आपको बता दूँगा मोस्ट क्वेश्चनों के।